हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूज होता है उन सबसे बताता है कि पिछले मैं एक महीने से डेमन टेरिटरी मतलब जो डेमन का एरिया वहाँ पे गया था और उन सबसे बातचीत की। उन लोग से बात करने के बाद मैंने उन सबको समझाया कि जो शांति है पीस का वो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम लोग को सब कुछ शांति से करना होगा। और ये समझाने के बाद उन लोगों ने एक पीस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो इंसानों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और इंसानों के साथ मिलजुल के मतलब शांतिपूर्वक रहेंगे। प्रिंस जो था बोलता है कि तुमने बस मेरी सिस्टर के लिए इतना कुछ किया, तुम इतना मतलब इस हद तक भी जा सकते हो मेरी सिस्टर के लिए। यू जो था वो फिर से जूनियर यानी मिस सू के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा मन जिससे करेगा तुम उससे शादी कर सकती हो, अब तुम्हें खुद की खुशियों की बलि नहीं देनी होगी और तुम्हें अपने ज़िंदगी जीने का हक मिल चुका है। मिस सू जो थे काफ़ी ज़्यादा खुश होते, बोलते कि मैं तो तुम्हें गुड बाय कहने के बिना भी वहाँ से चली आई थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे जाने के बाद मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही बोलते कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई लव यू यू, और साथ ही वो उसे गले पे किस गाल पे किस कर देती है। इंपेरियर ये सब देख रहा था, खास से बोलते चलो ठीक है मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि इस कॉम्पिटिशन का विनर है मिस्टर यू और उनकी शादी जो मेरी बेटी यानी प्रिंसेस सू से होगी। यू बोलता है कि आखिर मैं इस मामले में कैसे फंस गया। साथ ही मैं रात का सीन दिखाता, यू को तैयार करके उसके बेडरूम में पहुंचा दिया जाता है। यू बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे इसको इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में हेल्प करने आऊँगा और मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बुढ़ा खूबसूरत यानी कि मिस सू का बाप मुझे इस शादी के लिए फोर्स करेगा। एम्पायर ने यू से कहा था कि तुमने यहाँ पे आने के बाद जितने भी मास्टर थे जितने भी प्रिंस थे उन सबको हरा दिया है और हमारा जो डिमन का आर्मी का जो प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व कर दिया, इसलिए तुमसे अच्छा हमें दामाद और कोई नहीं मिल सकता, इसलिए तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगा। ये बोलता है कि जो मिसू है उसको काफ़ी ज़्यादा नफरत है शादी के नाम से, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं उसको बोलूँ तो वो मना कर देगी और मैं इस मामले से आगे निकल जाऊँगा। लेकिन तभी यहाँ पे दो नौकरानी जो होते सर्वेंट होते यू के पास आती है, बोलती कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, थर्ड प्रिंसेस जो है वो तुम्हारा वेट कर रही है, मतलब प्रिंसेस सू जो तुम्हारा वेट कर रही है। साथ ही वो उसे उठा के उसके कमरे प्रिंसेस सू के कमरे में ले जाते हैं। यू बोलता है कि रुक जा रुक जा मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, अब तुम्हें ये शादी करना होगा। मैं वापस से मिस सू के कमरे का सीन दिखाते, वो तैयार होकर वहाँ बैठी हुई होती है। यू जो होता है उस कमरे में आता है और बोलता है फाइनली मेरी शादी जो मिस सू से होने वाली है, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद यू बोलता है चलो ठीक है मैं इस खिड़की से यहाँ से भाग जाता हूँ, उसके बाद कोई भी तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा और मैं भी इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊँगा। वो आगे से भागने लगता है, लेकिन तभी मिस सू जो पीछे उसके हाथ पकड़ लेती, बोलती हनी तुम कहाँ जा रहे हो, और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उसके अंदर का जो डीमन होता है वो बाहर आ जाता, बोलता है कि मुझे मर्दों से काफ़ी ज़्यादा नफरत। यू बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा, साथ ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता। उस ब्लास्ट को जो एम्परर होता और उसका सन यानी प्रिंस जो था वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे। प्रिंस जो था अपने फादर से बोलता है कि फादर रॉयल फादर ये देखिए ये जो धमाका है वो प्रिंसेस सू के कमरे की तरफ हुआ है। बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि जो मिस सू है उसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा रिलीज किया और ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसके बॉडी के अंदर जो वो ड्रैगन सील था उसका सील टूट गया और ड्रैगन जो है फाइनली बाहर आ चुका। यू जो आता है बोलता है कि नहीं तुम वो सू नहीं हो जिसको मैं जानता हूँ। वहाँ पे दिखाते मिस सू के सी निकल जाते, मतलब वो एक डीमन के तौर पर बदल जाती है। अब बोलती है कि इस बॉडी का कंट्रोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, ऐसे ही मैं इस दुनिया में वापस से बाहर आया, मुझे देखने के लिए क्या मिला, एक बेकार सा लड़का जो कि यहाँ पे मुझसे बकबक कर रहा है। यू जो उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुमने मिस सू के बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कैसे किया। वो हंसना स्टार्ट कर देते, बोलते कि मैंने इसके बॉडी पे कब्जा नहीं किया, ये बॉडी का असली मास्टर मैं हूँ, मैं इस बॉडी के अंदर कैद था, मेरा नाम है ड्रैगन सोलर और ये बॉडी मेरा हुआ। साथ ही मैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते मिस सू के कमरे का, वो अपने कमरे में बैठी होती है, उसके पास से सर्वेंट आती है और बोलती है कि थर्ड प्रिंसेस तो आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, हमारा जो वो लड़का है मतलब यू जो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसके साथ ही आपके साथ हो रही है, उसने ज़रूर अपने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा। साथ ही वो उस कमरे से निकलने लगती है, बोलती ठीक है मैं जाके उसको ढूंढ के लाती हूँ कि वो बेवकूफ़ कहाँ है, उसके बाद उसको पकड़ के आपके पास ले आऊँगी। मिस सू जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे, तो बोलती फाइनली मेरी शादी जो यूज़ होने वाली है वो माय गॉड ओ माय गॉड, और वो इधर से उधर बेड पे लुढ़कना स्टार्ट कर देती और साथ ही बोलती कि मैं यू से मिलूंगी तो उसे बताऊंगी कि मैंने ब्रेक थ्रू कर दिया और मैं अपने पावर को काफ़ी अच्छे से यूज कर सकती हूँ। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सब महसूस होता है, कुछ झटका लगता है और उसके अंदर का टेबल होता है वो जाग जाता है, वो आके खोलना स्टार्ट कर देती। लेकिन जैसे मिस सू आगे खोलती वो एक अजब सी दुनिया में पहुँच जाती है, बोलती ये तो पैलेस नहीं लग रहा, आखिर ये जगह हाँ कहाँ। उसके अंदर का डेविल जो था बोलता है कि फाइनली हम लोग मिल गए, वो एक जेल की तरफ देखती, वहाँ पे एक जेल होता है जिसके अंदर से वो डेविल बोल रही थी। वो उसे पूछती आखिर तुम हो कौन, बताती है मैं तुम्हारा यहाँ काफ़ी लंबे समय से वेट कर रही थी जूनियर, फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। और वो डेविल वाली हंसी देती, बोलते कि तुम कौन हो, तुम तो एकदम मेरी तरह लग रही हो, क्या तुम मेरी एक सिस्टर हो। काफ़ी गुस्सा हो जाती डेविल जो थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती, बोलती नहीं मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, चलो ठीक है तुम ये सब भूल चुकी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी सिस्टर विस्टर कुछ नहीं, मैं तुम और तुम मैं हूँ। और साथ ही
बात ही ये जो सील है फाइनल टूट चुका है, कोई भी मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रोक के नहीं रख सकता। और वो जूनियर को वहाँ पे कैद करके उस बॉडी के अंदर कैद करके सील करके वहाँ से निकलने लगती है। और जूनियर जो अंदर चिल्ला रहे थे रुक जाओ यहीं पर रुक जाओ, आज काफ़ी अच्छा दिन है, प्लीज़ इस दिन को बर्बाद मत करो। वो जो डिमन होती बोलती कि अच्छा आज से ये बॉडी का कंट्रोल मेरा है, इसलिए अब तुम यहाँ पे चुपचाप इस बॉडी के अंदर कैद रहोगे और मैं जो करूँगी उस सबको देखोगे, अब जो भी मेरे सामने आएगा वो सब खत्म हो जाएगा। मिस अंदर चिल्ला रही थी बोलती नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज़ वहाँ से यहाँ से निकालो, लेकिन वो नहीं निकालती। वापस से हमारा टाइम करंट टाइम आ जाता है जहाँ पे उस मॉन्स्टर ने मिसू का जो डेविल साइड होता है उसने एक जोरदार ब्लास्ट किया हुआ होता है। उसके बाद दिखाते यूज होता है उसके करीब आ जाता है और वो जो मॉन्स्टर होता है हंस रही होती है और बोलती क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझसे बच सकोगे, तुम तो वापस से फाइट बैक भी नहीं कर रहे तो तुम्हें इस लड़की का बॉडी वापस कैसे मिलेगा। जो होता है मिसू से बोल रहा था कि मिसू जल्दी से जल्दी जाग जाओ ये तुम नहीं हो, तुम कोई और हो, प्लीज़ जाग जाओ। वो मन ही मन सोच रहा था इसका जो बॉडी का पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसके अंदर का जो ड्रैगन सोल है वो फाइनली जाग चुका है। मिसू का जो डेविल ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हो, ये तो तुम्हारी बात भी नहीं सुन सकती, तो तुम कह किससे रही हो। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते और वहाँ पे दिखाते उसकी एनर्जी की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा कमरा टूट जाता है। और उस कमरे को तोड़ने के बाद ड्रैगन सोल जो है बाहर आ जाती है तो उसका जो फादर होता है एम्परर बोलता है ड्रैगन सोल तुम रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलते कि फादर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फिर से सील कर सकोगे, चलो तुम ट्राई करके देख सकते। बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मर्डरस थी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए तुम्हारी मदर और मैंने मिलकर तुम्हें सील किया था क्योंकि हम लोग के पास और कोई चारा नहीं था। ड्रैगन सोल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते, बोलते कि तुम लोग ये सच्चाई किससे छिपाना चाहते हो कि हम लोग के ब्लड के अंदर ही फाइट है, हम लोग फाइट कर सकते हैं, तो तुम लोग को ये शांति अमन क्यों चाहिए, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम लोग मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे, पर तुमने मुझे कैद कर लिया। उसके फादर बोलते कि चलो ठीक है, चूंकि तुम ये सब कह रही हो तो मुझे पता चल गया कि तुम हम लोग का साथ नहीं देना चाहते, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे फिर से तुम्हें सील करना होगा। साथ ही वो अपने मैजिक को एनर्जी को यूज करता है और उसके पावर से एक बहुत बड़ा आइस ड्रैगन वहाँ पे क्रिएट कर लेता है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड था यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या एम्परर जो है इस ड्रैगन सोल को अपने ड्रैगन आइस जो है उसे कैद कर पाएगा, सील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।